वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं, मैं करने वाली हूँ, बताने वाली हूँ आप लोगों को मेरे मंथली फेवरेट। सो अ लॉट ऑफ यू गाइज नोटिस कि मैंने पिछले मंथ मंथली फेवरेट्स नहीं किया था, दैट इज बिकॉज आई वॉज सुपर बिजी फाइंडिंग अ न्यू हाउस टू शिफ्ट इन, अ रेंटेड हाउस टू शिफ्ट इन फॉर माई सेल्फ। उस बीच में मैंने काफी नई चीजें ट्राई नहीं की एंड आई वॉज नॉट श्योर अबाउट सम थिंग्स जो मैंने मंगाई थी, सो आई वॉन्टेड अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम फॉर देम। सो मैंने दो मंथ लिए, सो दिस वीडियो विल काइंड ऑफ बी अप्रैल एंड मे फेवरेट्स कम्बाइंड, बट मेजरली मे के, क्योंकि अप्रैल में मैंने ज्यादा चीजें ट्राई की नहीं थी। बहुत कुछ हुआ है इन दो मंथ्स के बीच दैट आई वॉन्ट टू शेयर विद यू गाइज, जो मैं बाकी वीडियोज में नहीं कर सकती क्योंकि बहुत लंबी हो जाती है वीडियो। सो या दिस इज माई मंथली फेवरेट्स वीडियो, इट्स गोना बी अ लॉन्ग राइड, सो ग्रैब अ स्नैक and let's get started. Okay, so सबसे पहले मैं start करने वाली हूँ hashtag self care items में, जिसमें skin care, hair care सारी चीजें kind of मैं include कर दूंगी। I think I have 2-3 items to share with you guys. मेरी बाकी चीजें जो मैं regular basis पे use करती हूँ वो मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ major skin care, hair care videos में। So the one thing that I missed out on और जो मैं 5-6 months से try कर रही हूँ that is LaVivo International Professional Hair Care Oasis Plus Serum, which is ultimate finish, it is anti frizz, light control and non-sticky 50 ml का ये package है and this was given to me by Ahmed sir, जिन्होंने when I made my video on my haircut and my smoothing experience, तो Exclusive Salon में वो काम करते हैं and वो सबसे अच्छे one of the best people by nature I've met so far and उन्होंने मेरा haircut and smoothing process किया था। so इस time जब मैं हल्का सा trim कराने गई थी, मेरी mom को भी haircut कराना था, he offered me this to try this out, क्योंकि मेरी mummy के भी काफी frizzy हो जाते हैं बाल, अब जब monsoon आने वाला है तो मेरे भी बाल बहुत ज्यादा फ्रिजी हो जाते हैं, दैट इज वाई यू गाइस सी माय हेयर लाइक दिस। आई एम सो सॉरी कि मैंने ऐसे बाल कर रखे हैं क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है इस टाइम पे एंड आई डोंट वांट कि मेरे बाल मेरे गले में चिपके, सो दिस इज द बेस्ट आई कुड ऑफर यू गाइस। आई डोंट केयर इफ आई लुक लाइक अंश गुजराल फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बट या That is what we're gonna deal with today. So this one, coming back to the main product, इसकी जो fragrance है वो भी बहुत ही अच्छी, ऐसा लगता है कि आपके salon finish जो बाल होते हैं ना वैसे type की। हाँ, wanted to recommend this to you guys कि अगर किसी को frizziness की problem है especially ऐसे months में, वो ये चीज़ try कर सकते हैं। Hair serum is really important whether you want to use it normally या फिर hair style करने से पहले, अगर आपको straightening या फिर कुछ heat से related करना है तो hair serum apply करना काफ़ी सही रहता है, ताकि जो damaged बाल हैं उनके ऊपर अगर आप लगाओ तो उनकी भी थोड़ी sleeker look आएगी and आपके बाल थोड़े shiny and more healthy लगने लगेंगे। The next thing is acne star, which is a gel जो pimples पे लगाते हैं। If you guys ask me कि मैं pimples का कैसे ध्यान रखती हूँ, feel like this is something जो सारे लोग use कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितने लोगों को recommend किया है उन लोगों पे ये काम की है एंड आप लोगों को भी मैंने अपनी इंस्टा स्टोरी में बताया था दैट आई यूज एक्ने स्टार, दिस इज अ स्पॉट ट्रीटमेंट, आप वहाँ वहाँ लगा लो जहाँ पे आपको एक्ने लग रहे हैं या हो चुके हैं। सो ये थोड़ा सा सुखा देता है, 3-4 दिन के अंदर चले जाते हैं एक्ने एंड आई रियली लाइक इट। आई डोंट नो अबाउट द कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस वन, सो इफ यू हैव स्लाइटली बिट सेंसिटिव स्किन आप अपने डॉक्टर या किसी डर्मेटोलॉजिस्ट किसी से भी पूछ सकते हो इसके बारे में, मैं ऐसे ही नहीं किसी को भी रिकमेंड कर देना चाहती, सो प्लीज बी केयरफुल अपना डिसीजन बनाने से पहले। बट आप लोगों ने बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे कि मैं पर्सनली कौन सा यूज करती हूँ, सो दैट इज एक्ने स्टार। ये मेरी पार्लर वाली ने मुझे रेकमेंड किया था कि एक्ने स्टार लगा लो, उससे बिल्कुल ऐसे सूख के झड़ जाते हैं आपके पिंपल्स, सो देन आई गेव इट अ ट्राई एंड दैट्स रियली रियली वर्किंग ऑन मी, काफी जल्दी सूख जाते हैं पिंपल्स। सो या ट्राई एक्ने स्टार एंड लेट मी नो अगर आपको अच्छा लगता है या नहीं, बट दिस इज वन ऑफ माई एब्सोल्यूट फेवरेट्स स्पेशली दीज टू मंथ्स, मुझे इसकी बहुत जरूरत पड़ी है। द लास्ट थिंग इन द सेल्फ केयर कैटेगरी इज ऑल्सो फॉर माई स्किन फॉर ऑयल कंट्रोल, नाउ पिम्पल होने से बेटर है पिम्पल को होने से ही रोक लो, सो आई ऑर्डर्ड दिस मामा अर्थ का रिजीम्स ऑफ नेचर चारकोल पैक, क्योंकि मुझे जब मैंने मामा अर्थ की उपटन फेस पैक की वीडियो की थी आप लोगों ने बोला था आपको C3 फेस मास्क ट्राई करना चाहिए क्योंकि आपकी ऑयली स्किन है तो आप पे मे भी उपटन से भी ज्यादा अच्छी इफेक्ट दिखाए, तो मैंने ये कॉम्बो ऑर्डर कर लिया क्योंकि आई रैन आउट ऑफ माई फेस वॉश और मुझे कोई न्यू फेस वॉश ट्राई करनी, वो बहुत ही चुल हो रही थी, रॉन्ग यूज अ वर्ड बट या, सो दिस इज द पैकेज दैट इट केम इन। द थिंग दैट आई रियली लाइक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग इज दैट जब भी मैं फेस वॉश या फिर ये मास्क यूज करती हूँ, मुझे ऐसा कभी नहीं लगता है कि मेरी स्किन सारी ही मॉइस्चर की रिप्ड ऑफ या सहारा डेजर्ट की तरह लग रही है, इट जस्ट रिमूव्स द राइट अमाउंट ऑफ ऑयल जो मैं चाहती हूँ चला जाए, बट स्टिल मेरी स्किन मॉइस्चराइज एंड सपल लगती है। कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स आप यूज कर लेते हो जो ओवरली ड्राइंग होते हैं एंड देन आप जरा सा भी आ ऊ ई करोगे तो आपको खिंचाव सा फील होता है, दैट इज नॉट राइट फॉर योर स्किन, सो
ऐसे प्रोडक्ट्स ऑयली स्किन वालों के लिए काफी यूज करना इम्पोर्टेंट है, जो आपको डिहाइड्रेट ना कर दे, सिर्फ जो एक्सेस ऑयल है वो हटाए या कंट्रोल करने में हेल्प करे। जो मामाअर्थ का C3 फेस मास्क है वो मैं काफी रेगुलरली ट्राई कर रही हूँ, प्लस एक्ने स्टार क्रीम जो है वो भी मैं काफी ट्राई कर रही हूँ फॉर माय स्किन, एंड दोनों का कॉम्बिनेशन इज रियली गुड। सो नाउ दैट वी डन विद सेल्फ केयर आइटम्स, लेट्स मूव ऑन टू फैशन, क्योंकि मेरे पास फैशन में काफी सारी कैटेगरीज हैं। यू गाइस नो आई एम सो फॉन्ड ऑफ शॉपिंग इन फैशन एक्सेसरीज एवरीथिंग, लाइक यू गाइस नो मी राइट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई गॉट, आई रिसेंटली शॉप्ड फ्रॉम शीइन एंड माय एब्सोल्यूट फेवरेट हैज बीन, वाओ यू कांट इवन सी, माय एब्सोल्यूट फेवरेट हैव बीन दीज हील्स। दीज हील्स आई सॉ जब मैं शीइन के पॉपअप स्टोर में गई थी जो पिकाडली में हुआ था जनकपुरी में, एंड आई सॉ दीज हील्स बट मेरे साइज की वहां पे नहीं थी। मेश काइंड ऑफ हील एंड ये जो you know transparency crystal kind of block heel hai that really attracted me. I tried a few of them kafi sizes mein, but ye jo size hai 38 mujhe 37 generally aa jata hai, but mera pair kyunki thoda wide hai so yahan pe fit hone mein problem ho gayi thi aage ki side mein, so 38 fits me really really well. Halka sa piche se loose hai but it is fab and my feet look really really nice in it. मैंने दो तीन बार इसको पहना हुआ है एंड दे जस्ट फील अमेजिंग, एंड माई अदर आइटम इज ऑल्सो फ्रॉम शीइन, लेट मी शो यू गाइज। Now this is the dress that I got from Shein along with the belt. ये separately मैंने order किए थे just because I thought ये belt मैं काफ़ी चीज़ों के साथ चला लूँगी। Now this I wore to a concert, I think Lucky Ali का concert था, but मैंने अपनी story पे इसको पहन के एक picture share की थी and you guys were like कहाँ से है ये dress, it looks so good on you. So I shared it जिन लोगों ने मुझसे पूछा, and उसके साथ मैंने waist पे ये belt पहनी थी which is a tan belt जो थोड़ा wrap around kind of है। ये मैंने शिवानी डांडेकर को, क्योंकि वो शीन की अब थोड़ी सी पॉपुलैरिटी बढ़ा रही है, उनके साथ एसोसिएट कर लिया शीन वालों के साथ, सो उन पे देखा था एक येलो ड्रेस के साथ। सो आई रियली लाइक दिस बेल्ट एंड मैंने स्पेसिफिकली जाके साइट पे फाइंड आउट किया बिकॉज आई रियली वांटेड इट। सो दीज वर द आइटम्स फ्रॉम शीइन, लेट मी नो अगर आपको शीइन हॉल अगेन चाहिए या नहीं चाहिए। आई फील लाइक काफ़ी लोग टायर्ड भी हो जाते हैं शीइन हॉल से, सो आई अवॉइड डूइंग दैम, बट मेजोरिटी ऑफ यू गाइज लाइक 85% ऑफ यू गाइज आर लाइक शीइन हॉल का है भाई लेके आओ। सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो अगर आपको शीइन हॉल चाहिए या नहीं चाहिए। आई डू डेफिनेटली हैव अ लॉट ऑफ आइटम्स जो मैं परचेज करती हूँ, एंड देन सम ऑफ द आइटम्स जो मुझे एज पी आर भेजते हैं जिसकी मुझे वीडियो बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल इफ यू वॉन्ट मी टू इंक्लूड माई फेवरेट्स फ्रॉम दैम एज वेल एज जो मैंने शॉप किया, आई कैन डेफिनेटली मेक अ हॉल, सो लेट मी नो इन द कॉमेंट्स डाउन बिलो। तो आफ्टर क्लोज आई हैव टू bags with me right now. The first one is this bag जो मैं सरोजनी नगर से लाई हूँ, so this is from that a haul coming up real soon. मुझे पता है आप लोगों को try on haul चाहिए, but this has been my absolute favorite. आजकल मैं जहाँ जा रही हूँ इसको या जो second bag है वो दिखाऊंगी, वो लेके जा रही हूँ, थोड़ा बड़ा है, so in case of sling bags I am taking this along, क्योंकि ये जो material है this is leather and अंदर थोड़ा suede का texture दिया हुआ है, अंदर इसके zip है, cards की जगह दी हुई है if you can see यहाँ पे कार्ड्स के लिए, एंड इस साइड पे भी दी हुई है आपके क्रेडिट कार्ड एंड जो नोट्स वगैरह डालने होते हैं, एंड इसकी जो ये स्ट्रैप है वो भी मुझे पसंद है, थोड़ा ब्रेडेड बोहेमियन वाइब देता है ये। सो दिस फर्स्ट ऑफ ऑल द कलर इज समथिंग दैट आई एब्सोल्युटली लाइक, आई गॉट इट फॉर 300 rupees विच इज ग्रेट। ओके सो द नेक्स्ट थिंग, नॉट प्रमोटिंग ड्यूप्स और रेप्लिकाज और एनीथिंग, बट आई रियली लव दिस बैग। ये मैंने एक इंस्टा स्टोर से मंगाया है विच इज़ आई थिंक वर्थ द बैग्स, मैं नीचे सब कुछ लिंक कर दूंगी उनका, बट दे हैव अमेजिंग रेप्लिकाज एंड अमेजिंग यू नो क्वालिटी ऑफ बैग्स। लाइक एलवी का ये है, लुई विटों का बैग जो उनके क्लासिक प्रिंट होता है उसका, अंदर भी इसके बहुत अच्छी यू नो फिनिशिंग दी हुई है लाइक दिस इफ यू गाइस कैन सी रेड में, एंड काफी अच्छे इसके अंदर लॉक्स हैं, लाइक हर चीज की मेटल क्वालिटी, स्ट्रैप क्वालिटी, ये जो स्टिचिंग हुई पड़ी है बीच में उन सब की क्वालिटी बहुत अच्छी है, एंड दिस वन इज रियली रियली स्पेशियस। लाइक मेरे कोई भी टोट बैग है उनके अंदर मेरा लैपटॉप नहीं आता है, बट दिस वन पैक्स अ पंच। इट वॉज फॉर माई मॉम बट इस मंथ मैं इसको ले जाती रही हूँ। आई पोस्टेड अ पिक ऑफ दिस बैग जो थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में था, स्टारबक्स में मैं बैठी थी, एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ कॉमेंट्स कि ये बैग कहाँ से, मुझे बहुत पसंद है। सो हेयर इट इज, दिस इज फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड वर्ल्ड द बैग्स, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ होगा। सो द लास्ट थिंग इन द फैशन कैटेगरी इज अ सारी। यू गाइज नो मुझे इंडो वेस्टर्न इंडियन स्पेशली चीजें बहुत ज्यादा पसंद है, एंड यू गाइज कैन सी लाइक माई वाइब, मुझे ऐसे इयर रिंग्स एंड लाइक आई लव एवरीथिंग अबाउट इंडियन ट्रेडिशन, सो आई लव अ गुड साड़ी। एंड मुझे एक इवेंट आ रहा था जिसपे जाना था जो थोड़ा अब जुलाई तक पोस्टपोन हो गया है, बट आई चोज दिस साड़ी फॉर
specifically that event. This one was from Laya the Design Studio and I really like the color ki ye kitna sophisticated hai. But then bam, when you turn it around, iska border kaafi zyada popping hai, which gives it the perfect amount of that attractiveness ki koi aapko dekhe and you just, you know, you're the odd one out, ya fir you just pop out. I really liked this one. They packed it really, really well and I have to commend them. Inki delivery bhi kafi fast thi. So, Laya the Design Studio, thank you so much. Maine aapse ye cheez mangi and aapne mujhe de di free mein as a PR and I love you guys. I love this sari, but if you guys want saris of great quality and jis pe bahut acha kaam kiya ho, sophisticated, they do have a lot of designs, so you can definitely check out unka Instagram. I just love it and it has a lot of sheen to it, so yeah, this is a perfect sari. Niche green color ke sundar sundar soft tassels bhi hain, so I really appreciate the sari, the work on it, the material, and I can't wait to wear it and post a picture on my Instagram kyunki ab main thoda busy hu shifting ke sath and thoda delay ho gaya hai, so maine socha ye wali cheez mujhe is video mein dikhani chahiye because it's my absolute favorite. Okay, so jo pura bora tha mera fashion wale category ka, wo sab over ho chuka hai. The next category is a makeup beauty and unfortunately mere paas sirf do favorites hain because I have been doing the hashtag 30 day lipstick challenge which was started by Sherry Shroff. I totally love her and admire her. I love her content, so when all of you guys tagged me on her post when she started, to mujhe laga okay, I should do it. So that is why I've been obsessed with lipsticks this whole past month, and my absolute two favorites are nudes. I love nudes, you guys know there is no like denying that. So the first one is this Maybelline ki nude nuance lipstick that I showed you guys in my Nykaa haul. I really really loved it and as a matter of fact meri mom ko bahut pasand aaya ye lip shade. This is one of such shades jo un pe suit kiya, like she couldn't find her perfect nude, but this shade right here is so freaking nice and it just smells amazing. I feel like having it or eating it or anything like that. So ye bahut hi sundar shade hai, bahut hi sundar packaging hai and it was really really cheap, like affordable lipstick hai, and then iska pigmentation bahut acha hai and it stays for a decent amount of time. This is chandar ki extreme wear lipstick in the shade truffle. Ye bhi maine I think isi sheen wale animal print outfit ke sath maine ye wali shade pehni thi us raat ko and I love 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 this. This shade is the perfect Nutella kind of shade, so if you belong to a deeper skin tone, I think ki aapka perfect nude hoga. Mere upar ye thoda chocolatey kind of color lagta hai, which I absolutely love. Velvety feel deta hai aapko feel karne mein, but samne se ye matte lagta hai and it lasts a really long time, chahe aap kuch you know tel wala khao piyo kuch bhi. So I really really like it. It is kind of like a very good lipstick. So main isme aur shades bhi try karna chahti hu, especially Rose Bordeaux and Coffee Date, if that's what they're called. So main aur lungi, but this is a kind of expensive one. 800 plus ki lipstick hai, I think 890 or 850 ki. So main thoda abhi apne aap ko restrain back kar rahi hun, but I love this and I'll definitely buy more of these. Okay, so I'm so sorry, मेरे पास सिर्फ दो लिपस्टिक थी, कोई नेल पेंट या कुछ नई रिकमेंडेशन नहीं थी इस मंथ के फेवरेट के लिए, बट आई एम गोना मेक इट अप इन द ज्वेलरी डिपार्टमेंट क्योंकि मैंने काफी सारी ज्वेलरी खरीदी एंड काफी सारे इंस्टाग्राम स्टोर्स ने मुझे ज्वेलरी इस बार भेजी भी है एंड आई एम सो थैंकफुल, लाइक आई कांट एवर टेक इट for granted ever. So I really want to give back and promote you guys pages jo mujhe itne pyar se itni unique cheeze banake bhejte hain and they are definitely one of my favorites. This is not a promotion, I've been wearing them and trying them out. Unki quality kharab hoti hai, jaldi toot to nahi jati. So jo Instagram store ki achhi cheeze stand out karti hain and jo kafi achhi apni quality pe khari utarti hai, wahi main apni favorites video mein share karti hun. So the first Instagram store is Sajja by Shreyasi. I totally love their products. These were the earrings jo maine apne Nykaa haul mein pehne the, these sikka earrings, if you remember. Go back to that if you want to see them in full effect, but I literally love these and ye kitne quirky hain, like they are the definition of quirky and I just love it. Isme sikke hain and they are totally handmade and kitni mehnat lagi hogi aise design pe come up karke usko execute karne ke liye and these color combinations, I feel like ye is outfit ke sath bahut acha jata. And unhone mujhe ye earrings bhi bheje the jinko mereko abhi apne channel पे पहनने का मौका नहीं मिला है, बट दीज हैव दिस
घुंघरूज एंड दे आर रियली रियली नाइस. इसमें एस्टेक काइंड ऑफ प्रिंट दिया हुआ है. देन दे ऑल्सो गेव मी दीज फिश काइंड ऑफ इयरिंग्स. आई थिंक दिस स्टोर इज बेस्ड आउट ऑफ कोलकाता, सो दे हैव एलिमेंट्स ऑफ दीज कलर्स एंड दीज फिशीज, सो रियली रियली लाइक इट. इसमें भी मिरर है. माई टॉप फेवरेट्स आर डेफिनेटली ये घुंघरू वाले एंड दीज सिक्का इयरिंग्स. नेक्स्ट आइटम दैट आई एम गोना शो यू गाइज इज फ्रॉम अ ज्वेलरी स्टोर कॉल्ड पेपर लव. वो भी इंस्टाग्राम पे है. सो वो भी बहुत ही यूनिक टाइप की ज्वेलरी बनाते हैं. लाइक दीज आर द फ्लावर्स जो एक ग्लास के अंदर कैप्चर हुए पड़े हैं एंड दिस इज अ चेन दैट दे सेंट मी. मैंने अपनी किसी वीडियो में तो पहना था, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक शीन हॉल में पहना हुआ था एक टॉप के साथ. एंड दे आर रियली रियली नाइस. इसमें येलो कलर का एक फूल बना हुआ है. ऑल्सो दे सेंट मी दीज इयरिंग्स जो इस टॉप के साथ भी जाती है, समथिंग रेड समथिंग येलो, सो गोल्डन काइंड ऑफ डेंटी इयरिंग्स. चेक आउट दिस स्टोर कॉल्ड पेपर लव 06 ऑन इंस्टाग्राम. ऑल्सो सेंट मी दिस की चेन जो मैं जिसपे अदिति उन्होंने पूरा स्यू किया हुआ है. एंड आई एम वेटिंग कि जब मैं अपने न्यू घर में शिफ्ट होंगी मैं अपनी की चेन जो घर की कीज होंगी उसमें ये लगाऊंगी. थैंक यू सो मच फॉर सेंडिंग मी दिस. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू थैंक अनदर स्टोर कॉल्ड अवेजा सेंट मी दिस क्यूट क्यूट पैकेजिंग. लाइक आउटस्टैंडिंग इन सारे स्टोर में से मुझे पैकेजिंग बाय सबसे अच्छा अवेजा का लगा. देयर इंस्टाग्राम स्टोरी इज कॉल्ड aveza.hoops. बट या मुझे ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी. एंड अंदर भी जिस तरह से उन्होंने मुझे पैक करके चीज़ें भेजी हैं विद देयर कार्ड एंड प्रिंट्स एवरीथिंग मुझे बहुत 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 अच्छा लगा. सो ये वाले इयररिंग्स मैं अभी तक पहन चुकी हूँ. ये वाले मैंने दूसरे वाले ट्राई नहीं किए हैं बट आई वोर दिस इन वन ऑफ माई वीडियोज एंड आई रियली लाइक इट. ये अवेजा हुप्स लाइक दे मेक हुप्स एंड दे आर आउट ऑफ हैंड लाइक हैंडमेड. एंड हुप्स के अंदर ये काफ़ी अच्छे डिजाइन बना के देते हैं. आई चेक देयर स्टोर आउट पर्सनली एंड आई डू प्लान टू शॉप फ्रॉम दिस स्टोर स्पेसिफिकली किसी को बर्थडे गिफ्ट अपने फ्रेंड को देने के लिए या नहीं, बिकॉज देयर डिजाइन आर रियली मॉडर्न एंड आजकल के लोगों के टेस्ट के टाइप से हैं. एंड दिस गर्ल राइट हेयर इज सो स्वीट, शी मैसेज मी. सो दीज आर दी अदर हुप्स जिनमें यू नो ऐसे ट्री का लीफ सा लगा हुआ है बड़ा सा. सो रियली रियली लाइक इट. ये भी पहनने के बाद बिल्कुल भी काले नहीं हुए. सो आई एम रिकमेंडिंग दिस टू यू गाइज. अगर आप इंस्टाग्राम की ज्वेलरी सर्च करना चाहते हो जो अच्छी प्राइसिंग पे आपको मिल जाए एंड द क्वालिटी इज रियली नाइस जिससे आपको बिल्कुल भी यू नो काले पड़ने का डर ना लगे एंड टूटने का डर ना लगे, डेफिनेटली चेक आउट ऑल दी स्टोर्स. दे आर रियली अमेजिंग. दे आर स्मॉल बिजनेसेस एंड वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट देम. इफ यू हैव द मनी एंड इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग, इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग क्रिएटिव एंड न्यू, वाई नॉट गिव दीज गाइज अ ट्राई. सो जस्ट डू इट एंड आई थिंक यू विल फील गुड. सो आफ्टर ज्वेलरी आई वॉन्ट टू गिव यू गाइज अ लिटिल लाइफ अपडेट. ये मेरा फेवरेट सेक्शन है मंथली फेवरेट्स का. पिछली बार मैंने इतनी लाइफ अपडेट नहीं दी थी बिकॉज देयर वर सम प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ. लाइक प्रॉब्लम्स ऐसी नहीं कि हाँ हार्ट ब्रेक हो गया या फिर कोई डैडी इशू समथिंग, बट माई ब्रो इफ यू गाइज डोंट नो इज ऑटिस्टिक एंड ही हैज ऑटिज्म. एंड देन पूरे मंथ लाइक पिछले दो ढाई मंथ से आई हैव बीन सो मेंटली एग्जॉस्टेड एंड सो इरिटेटेड विद एवरीवन अराउंड मी. एंड मुझे नहीं पता उस टाइम पीरियड के दौरान मैंने कैसे हैंडल किया एंड कैसे चैनल पे वीडियोस डलती गई एंड यू नो फिल्मिंग एंड मेकअप एंड ब्यूटी एंड दिस इज द थिंग दैट मेड मी रियली हैप्पी. बट व्हेन इट केम टू एडिटिंग तो मैं फिर थोड़ा लैग कर जाती थी, बट स्टिल videos kept going up on the channel regularly. Channel ko maine effect nahi hone diya, but it's my mental health that took the deepest hit. Kyunki mera bhai, you know, autism mein if you research about it, they are really unpredictable and ek certain age ke baad aap unko school bhi nahi bhej sakte. Unki koi skill develop karni padti hai and wo aapke autism spectrum ke hisab se hoti hai. Agar aapka spectrum thoda low hai ya high hai to aap skill find kar sakte ho apne सिबलिंग या जो भी है उनके लिए. बट आई एब्सोल्युटली लव हिम एंड टू सी हिम हैविंग अ मेल्टडाउन. इफ यू डोंट नो अबाउट इट, ऑटिज्म मेल्टडाउन आप गूगल कर सकते हो. इट्स बेसिकली कि उनको पुरानी यादें जो फ्लैशबैक होती है कुछ भी होता है, आई डोंट नो व्हाट हैपेंस इन द ब्रेन, दे स्टार्ट सेल्फ डिस्ट्रक्शन एंड दे स्टार्ट बीटिंग देमसेल्व्स और दे स्टार्ट लाइक बीइंग वेरी हाइपर. एंड दैट इज व्हाट हैपेंड. लाइक मेरी सुबह की शुरुआत व्हेन आई एम स्लीपिंग, मेरी आँख खुलती थी तो मेरा भाई मेरे आसपास होता था एंड ही यूज टू हिट हिमसेल्फ एंड उसको कोई रोक भी नहीं सकता बिकॉज ही इज सो हैवी एंड उसको पकड़ो तो उसका जोर हमसे ज़्यादा है. सो मी एंड माई होल फैमिली हैज़ बीन डीलिंग विद इट बहुत टाइम से. एंड आई डोंट नो मेरे पेरेंट्स काफ़ी इस चीज़ में स्ट्रांग होंगे, बट वेन इट कम्स टू मेरे अपने लोग मैं काफ़ी वीक हो जाती हूँ एंड दिस इज माई वीकेस्ट पॉइंट. एंड वेन इट कम्स टू माई लिटिल ब्रदर आई एम वेरी 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 प्रोटेक्टिव एंड दैट इज़ वाई आई वॉन्टेड टू कीप इट इन साइड दिस लाइफ अपडेट. आई शेयर अ पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम टू वैन आई केम आउट ऑफ इट. आई वॉज लाइक आई कॉन्ट बी दिस सैड कि मैं यू नो आई वॉज ऑन द वर्ज ऑफ बींग डिप्रेस्ड क्योंकि
आई डोंट नो, मुझे बहुत ही अलग फील हो रहा था एंड थैंकफुली आई हैड फ्रेंड्स अराउंड जिनसे मैं बात कर सकती थी एंड आई हैड माय पेरेंट्स जिनसे मैं शेयर कर सकती थी, सो दैट इज गुड. बट या नाउ आई एम फीलिंग मच 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 बेटर. मैं अपने भाई की भी एनर्जी दूसरी चीज़ों में लगा रही हूँ, उसको कलरिंग करने देती हूँ, उसको उसके लिए नई चीज़ें ला रही हूँ जिसमें वो अपना दिमाग थोड़ा यूज़ कर सके, उसके पास इतना खाली टाइम हो ही ना जिसमें वो बैठ के अपने आप को यू नो बीट कर सके. लाइक स्पेशली नोज, ही हिट्स हिमसेल्फ राइट लाइक दिस, लाइक मुक्का मारता है वो अपने नोज पे एंड हिज नोज हैज बीन स्वोलन एंड उसको डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं हम. सो वी आर गिविंग हिम एवरी ट्रीटमेंट पॉसिबल बट स्टिल इट्स रियली टफ. लाइक बैठ के सुनना आसान है बट जिसके साथ हो रहा होता है दे नो व्हाट दे आर गोइंग थ्रू एंड दे आर डूइंग एवरीथिंग पॉसिबल इन देयर पावर टू मेंड दिस, टू फिक्स दिस. मूविंग टू अनदर टॉपिक, शिफ्टिंग, आई फाइनली फाउंड अ हाउस दैट आई लव. देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो जब मैं खुद अपना घर खरीद पाऊंगी बट आई फील गुड क्योंकि जिस घर में मैं अभी रह रही हूँ दैट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू माई रिक्वायरमेंट. इट वॉज अ वेरी स्मॉल स्पेस, अ वेरी ओल्ड स्पेस एंड दिस स्पेस यहाँ का सीवेज सिस्टम सही नहीं है एंड देर इज अ लॉट ऑफ बदबू ऑल अराउंड. आर टॉयलेट्स यूज टू जस्ट ब्लॉक अप एंड क्लम्प अप विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल्स पीसेस. आई डोंट वॉन्ट टॉक अबाउट इट बट या देर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आस पास नाले की स्मेल बिकॉज मेरा रूम है, यहाँ पे खिड़की है एंड साइड में नाला है. So I'm filming it right here and उससे हम लोगों की तबीयत भी बहुत ख़राब हो रही थी. So I just wanted to move out and if I had like मैं काफ़ी साल डेढ़ साल से पैसे कलेक्ट कर रही थी कि मैं घर का रेंट दे पाऊँ और मेरी जब इतनी इनकम हो जाए दैट आई कैन कॉन्ट्रीब्यूट इन माई हाउस रेगुलरली देन आई विल आस्क माई पेरेंट्स की लेट्स मूव आउट, लेट्स फाइंड अ न्यू हाउस एंड लेट्स मूव आउट ऑल टुगेदर टू अ बेटर प्लेस एंड थोड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल बिल्ड करें. So these were a few of my life updates. Now coming back to the moment of the month. Moment of the month is when I bought my mom a diamond ring on Mother's Day. मेरा इनिशियली कोई प्लान नहीं था ऐसा करने का. मदर्स डे इज नॉट समथिंग जो हम रेगुलरली सेलिब्रेट करते हैं. मैं हमेशा बाटा की चप्पल लेके दे देती हूँ मम्मी को एक स्मॉल कुर्ता. बट दिस टाइम आई फेल्ट लाइक माई मॉम डिजर्व्स इट, राइट. मैंने शेयर भी किया था अपने इंस्टाग्राम पे व्हेन माई फैमिली वॉज गोइंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस. My mom had to sell all her gold and वो मेरे लिए काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था. शी वॉज स्ट्रांग, शी क्राइड अ लिटिल बट शी वॉज स्ट्रांग और उसके बाद मम्मी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई एंड नाउ शी डजेंट इवन नीड इट. लाइक अगर मैं बोलूँ मम्मी आपने जो भी गोल्ड बेचा था मैं वो आपको सारा ला के दूंगी, शी डजेंट केयर. शी इज़ लाइक आई एम हैप्पी विद माई लाइफ बट आई वॉन्ट टू गिव दैट जॉय टू माई मदर. सो मैंने उनको फोर्स किया लाइक स्ट्रेटेजिकली कि मम्मी मुझे एक बात करनी है बट आप मानोगे तभी मैं आपको बताऊंगी, लाइक मानना पड़ेगा. सो शी वाज लाइक ओके बता, ठीक है पक्का मान जाऊंगी. सो दैट आई वाज लाइक प्लीज मेरे को आपको गिफ्ट देने दो. आई लिटरली हैड टू बेग हर कि प्लीज मुझे गिफ्ट देने दो आपको एंड शी अग्रीड. सो वी वेंट टू अ ज्वेलर जो हमारे ट्रस्टी ज्वेलर्स हैं कस्तूरी ज्वेलर्स विकासपुरी में एंड वी गॉट अ डायमंड रिंग फॉर हर. ऑल्सो अबाउट माई डाइट, मैं अभी तक 9 kgs लूज कर चुकी हूँ. लोअर टमी एंड अपर टमी के अराउंड मेरे 5 इंचेस कम हो चुके हैं, मेरे हिप्स 3 इंचेस कम हो चुके हैं हर जगह से, लाइक शोल्डर्स भी मेरे 2-3 इंच कम हो चुके हैं. सो इफ यू गाइस फील लाइक मैं थोड़ी सी पहले से स्लिम लग रही हूँ दैट इज ट्रू क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड फॉर 11 वीक्स नाउ. बिल्कुल डाइट पे कंट्रोल रखना, थोड़ी बहुत चीट मील्स खाना इधर उधर जब वो भी डाइटिशियन से पूछ के. आई हैव बीन वर्किंग रियली हार्ड ऑन माय फिजिकल हेल्थ एज वेल एज मेंटल हेल्थ एंड फाइनली इन अ प्लेस कि I can control मेरे दिमाग में जो आ रहा है thoughts and मेरी body के साथ जो हो रहा है and it's getting better. I'm not there but it's getting better. So this was my life update. I think yeah मैंने सब कुछ share कर ही लिया आप लोगों से. Can't wait to move out. थोड़े time में हम कर लेंगे. I will definitely let you guys know. अगर आपको moving out vlog चाहिए तो वो मैं बना दूंगी. नीचे जो भी demand हो यार नीचे freely बता दिया करो खुल के, जो भी video चाहिए मैं ज़रूर बनाऊंगी. So now I think we're left to the last section of this long video which is called randoms. So the random thing that I want to share with you guys is about my doggy, my baby Simba who is really picky with food. I'm a foodie, whole of my family is foodie but wo kuch nahi khata and he's a skinny dog. So I ordered this jalhai ki salami real chicken meat from like he's a non-vegetarian, we are all non-vegetarian except my mom. So it is a dog treat. So मैंने जलहाय की chicken jerky भी मंगाई थी जो अभी ख़त्म हो चुकी है and मैंने chicken salami भी मंगाई थी ये भी ख़त्म हो चुकी है but thankfully मैंने packaging संभाल के रखी थी दिखाने के लिए. So these are kind of dog treats जब आप अपने doggy को dog food दो
तो आप उसकी भूख थोड़ी जगाने के लिए इसका एक आधा पीस उसको दे सकते हो, ताकि सूंघ के जब वो खा लेता है ना तो उसमें थोड़ा सलाइवा उसके मुंह में क्रिएट होता है एंड देन ही फील्स हंग्री. तो उसके बाद जो डॉग फूड इमीडिएट फूड उसे दिखेगा खाने लायक तो वो भी खा लेगा. सो या अगर आपका डॉगी बहुत पिकी है, कुछ खाता नहीं है, डेफिनेटली चेक दिस आउट एंड उसको खिला के देखो देन आई थिंक. और या फिर आप इसको तोड़ के थोड़ा उसके खाने में भी मिक्स कर सकते हो तो वो इतना सेग्रीगेट नहीं कर पाएगा एंड सारा खा लेगा. सो दिस इज वन ट्रिक जिससे आप अपने डॉगी को खाना खिला सकते हो. द लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट प्रोडक्ट दैट आई वांट टू फीचर इन दिस मंथली फेवरेट्स इज दिस पोर्ट्रेट आर दीज पोर्ट्रेट्स दैट वाज सेंट मी बाय माय डियर फ्रेंड मेघा फ्रॉम एन इंस्टाग्राम स्टोर कॉल्ड अनऑर्थोडॉक्स पीप्स. आई हैव हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद हर. आई लव हर प्रोडक्ट्स एंड शी मेक्स कस्टमाइजेबल आइटम्स विच आर हाई क्वालिटी एंड देयर अफोर्डेबल एंड सम ऑफ देम विच आर प्राइसी. वेल क्वालिटी बहुत अच्छी है उन लोगों की, तो आई थिंक एक क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग हो सकती है. सो दीज आर द पोर्ट्रेट, दीज आर डिजिटल पोर्ट्रेट दैट शी स्टार्टेड रिसेंटली एंड शी सेंट मी दीज. मैंने पे नहीं किया बट आई लव्ड इट सो मच. सो मुझे अपनी फ्रेंड को एक सरप्राइज देना था, वो वाली पोर्ट्रेट भी मैंने बनवाई है. थिंक जब मैं दे दूंगी सो आई विल डेफिनेटली शेयर इट ऑन माई इंस्टाग्राम स्टोरी. बट या इट्स सम काइंड ऑफ पोर्ट्रेट लाइक दिस एंड शी गेट्स इट, शी गेट्स माई विजन राइट. लाइक बिसाइड्स दैट शी इज अ रियली रियली गुड पर्सन एट हार्ट. सो आई लव सपोर्टिंग अवर ब्रांड. ऑल्सो दिस डायरी जिसमें मैंने सारे आइटम्स लिखे हुए हैं नाम के, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, दिस वॉज ऑल्सो क्रिएटेड बाय हर. दिस वॉज आर फर्स्ट कोलैब. दिस इज द क्वर्की स्क्वाड नोटबुक जो आप ऑर्डर कर सकते हो इफ यू वॉन्टेड कस्टमाइज फॉर योर सेल्फ. वी डिड अ गिव अवे, एक मुझे मिला अपने लिए एंड एक गिव अवे विनर को मिला विच वॉज आई थिंक मेरी एम विंसेंट. उनको मैंने भेजा था केरला में. आई थिंक आई हैव अ लॉट ऑफ आइटम्स फ्रॉम हर एंड दीज डिजिटल पोर्ट्रेट्स आर माई एब्सोल्यूट लव. जब मेरा स्टूडियो होगा मैं उसमें जरूर लगाऊंगी. शी इज ऑल्सो हेल्पिंग मी विद डिजाइनिंग माई स्टूडियो क्योंकि शी इज वेरी गुड एट डिजाइन. अगर आपको चाहिए कोई अच्छा प्रोडक्ट एंड इफ यू वॉन्ट टू गिफ्ट समवन, इफ यू वॉन्ट टू हैव समथिंग फॉर योर सेल्फ, डेफिनेटली चेक आउट अनऑर्थोडॉक्स पीप्स क्योंकि उनके आइटम्स बहुत ही ज्यादा अच्छे. दिस वीक्स क्वर्की शाउट आउट गोज टू कोमल झा. योर कॉमेंट वॉज रियली फनी एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने लाइक आई वॉज द फर्स्ट यूट्यूबर जिसका आपने पूरा ब्लॉग देखा एंड ये चीज मुझे इंस्पायर बहुत करती है. सो डेफिनेटली और ब्लॉग्स मैं जरूर करूंगी एंड होपफुली आप उसको भी पूरा देखोगे. दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज. इफ यू ऑल्सो वॉन्ट क्वर्की शाउट आउट इन द नेक्स्ट वीक्स वीडियो, जस्ट आंसर द सिंपल क्वर्की क्वेश्चन ऑफ द वीक विच इज दैट आज की कैटेगरी में से सबसे अच्छी कैटेगरी कौन सी लगी. एंड अगर आपको मेरे लाइफ अपडेट पे कोई ओपिनियन हो तो प्लीज साउंड ऑफ बिलो. सो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप. सारी इन्फॉर्मेशन होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड कमेंट डाउन बिलो ताकि हम लोग और चिट चैट कर सके. एंड इफ यू सीइंग दिस फेस फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम प्लीज चेक आउट ऑल द वीडियोस लिंक बिलो. आई नो यू आर गोना लव देम. एंड इफ यू डू सब्सक्राइब टू माय चैनल हिट दैट बेल नोटिफिकेशन टू गेट अपडेट्स ऑन एवरी टाइम आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूजडे एवरी फ्राइडे 11 AM इन द मॉर्निंग. एंड फॉलो मी ऑन ऑल माई सोशल्स राइट देयर स्पेशली ऑन इंस्टाग्राम बिकॉज आई एम सुपर डुपर एक्टिव देयर. सब कुछ शेयर करती हूँ वहाँ पे एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.